हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्टैट प्रो। इन स्टैट प्रो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इंटरव्यूअर कैन आस्क टू यू, आपसे इंटरव्यूअर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इवन वी स्टार्ट द स्टैट प्रो, सबसे पहले आपको स्टैट प्रो का नाम लिखना आना चाहिए। दैट व्हाट इज स्टैट प्रो। स्टैट इज फुल कैपिटल, पीच कैपिटल, डॉट एंड ऑरो स्मॉल। ओके, आपको ऐसा ही स्टैट प्रो लिखना है। एंड सेकेंड थिंग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टैट प्रो, इंटरव्यूअर कैन आस्क टू यू। स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम, आपको याद कर लेना है स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड एनालिसिस प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क टू यू, क्या स्टैट प्रो इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम। स्टैट प्रो इज द वर्ल्ड लीडिंग स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन सॉफ्टवेयर। आपको क्या पता है इसके बारे में, तो आप बता सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। इनकॉर्पोरेटिंग डिजाइन कोड फॉर डिफरेंट 15 डिफरेंट कंट्रीज और 21 कंट्रीज में यूज किया जाता है। इसमें जो IS कोड फिक्स है वो 15 के लिए है। ओके, इट इंक्लूड्स स्टेट ऑफ द आर्ट यूजर इंटरफेस, विजुलाइजेशन टूल, इंटरनेशनल डिजाइन कोड, सारे डिजाइन कोड्स हैं इसके अंदर। ठीक है, विजुलाइज करने के लिए टूल हैं। ठीक है, इंटरफेसेस हैं अलग अलग, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इट इज़ यूज फॉर 3D मॉडल जनरेशन, एनालिसिस एंड मल्टी मटेरियल डिजाइन। ओके, द कॉमर्शियल वर्जन ऑफ स्टैट प्रो इज सपोर्ट सेवरल स्टील, कंक्रीट, टिम्बर डिजाइन कोड्स। ठीक है, इसमें स्टील का कोड भी मिलेगा आपको, कंक्रीट का ही मिलेगा और टिम्बर का भी मिलेगा। ओके, नाउ हिस्ट्री ऑफ स्टैट प्रो। स्टैट प्रो वॉज ओरिजिनली डेवलप बाय रिसर्च इंजीनियर्स इंटरनेशनल इन योरबा लिंडा CA। ठीक है, योरबा लिंडा CA के तो कुछ लोगों ने किया था, बट इन लेट 2005 रिसर्च इंजीनियर इंटरनेशनल वॉज बॉट बाय बेंटली सिस्टम। बेंटली सिस्टम में खरीद लिया 2005 में सॉफ्टवेयर को। इससे पहले दो लड़कों ने मिलकर बनाया था इसको, 2005 में बेंटली सिस्टम ने खरीद के अपना लोगो दे दिया इसको। अब आपको बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं कई बार पूछता भी हूँ, व्हाट इज एनालिसिस, कैलकुलेशन ऑफ रिस्पांस ऑफ स्ट्रक्चर टू एक्शन। बस इतना बोलना है, कैलकुलेशन ऑफ रिस्पांस ऑफ स्ट्रक्चर टू एक्शंस। ओके, व्हाई टू परफॉर्म एन एनालिसिस, एनालिसिस को परफॉर्म क्यों करते हैं। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, नेचुरल फ्रिक्वेंसीज, डिस्प्लेसमेंट के लिए एंड क्रिटिकल बकलिंग लोड्स चेक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज, अब दो तरह के एनालिसिस होती है, फर्स्ट इज स्टैटिक एनालिसिस एंड सेकेंड इज डायनेमिक एनालिसिस। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस, चलो दिखाते हैं। एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर फॉर वेरियस लोड अंडर स्टैटिक कंडीशन, कंपोनेंट्स अंडर रेस्ट व्हेन लोड्स आर अप्लाइड। बॉडी आपका जो है स्ट्रक्चर का ऐसे रखा हुआ है और इस पर लोड आ रहे हैं अलग अलग, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस। डायनेमिक कंडीशन, डायनेमिक कंपोनेंट इज इन मोशन व्हेन लोड्स आर अप्लाइड और टाइम वेरिंग लोड्स। ठीक है, टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन का ग्राफ बनता है एक्सेलरेशन का, और उसमें बिल्डिंग घूमती रहती है, मतलब बिल्डिंग नहीं घूम रही, वाइब्रेशंस पे हम लोग चेक करते हैं क्या इफेक्ट आएगा। वाइब्रेशन होते हैं टाइम, तो टाइम के टाइम पे जैसे एक सेकंड पे, दो सेकंड पे क्या रिएक्शन होगा वो हम लोग चेक करते हैं किसमें, डायनेमिक में। एग्जांपल, होल्डिंग डिवाइस, क्लैंप एंड फिक्स्चर्स एनालिसिस, सस्पेंशन सिस्टम ऑफ व्हीकल, व्हीकल में देखा होगा आपने, जैसे कुछ अभी देखो सस्पेंशन ब्रिज भी बन रहा है, तो थोड़े 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 क्या करते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं, वो डायनेमिक मोड में रहते हैं। ओके, टाइप्स, लीनियर एनालिसिस, नॉन लीनियर एनालिसिस, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ओके, लीनियर मीन्स कंटिन्यू, नॉन लीनियर मीन्स डिसकंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू नहीं होते। ओके, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकते हैं स्ट्रक्चर में, मतलब कि स्टैट प्रो के स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज असेंबलेज ऑफ एलिमेंट्स। स्टैट प्रो इज कैपेबल ऑफ एनालाइज एंड डिजाइन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ बोथ फ्रेम एंड फाइनाइट एलिमेंट। मतलब आपको ये
फाइनाइट एलिमेंट की एनालिसिस भी करके दे सकता है और फ्रेम स्ट्रक्चर की भी डिजाइन करके दे सकता है। ओके, ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी डिजाइन बाय STAAD.Pro, एक अच्छी चीज़ होती है। लगभग सभी टाइप के स्ट्रक्चर के लिए आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, दैट इज STAAD.Pro। फ्रेम एलिमेंट्स कौन कौन से फ्रेम, बीम एलिमेंट्स, टू नोट्स, दो नोट्स को मिला के, एक नोट दो नोट, इनको मिला के आप कोई भी स्ट्रक्चर बना के उसको डिजाइन कर सकते हो। फाइनाइट एलिमेंट में दो मेथड है, एक है प्लेट है, एक है सॉलिड है। प्लेट में अगर थ्री पॉइंट्स है, मतलब मान लीजिए आपका स्लैब ऐसे है और ऐसे है, तो आप इसको ऐसे 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 मिला दीजिए, और फोर पॉइंट है तो आपको पता ही है रेक्टेंगल। ऐसा प्लेट भी लगा सकते हो आप, सॉलिड भी लगा सकते हो, ठीक है। सॉलिड में फोर टू एट नोट्स तक आप सॉलिड लगा सकते हो, अगर एट पॉइंट्स है, एक दो तीन चार पाँच ऐसे इस तरीके से तो मिला सकते हो, फोर है तो भी मिला सकते हो। ओके, इन केस ऑफ स्टैट नोड बिकम्स ज्वाइंट, एक नोड दो नोड ये हो गया, तो ये क्या हो गया, ए ज्वाइंट हो गया और ये ज्वाइंट हो गया। इट हैज नंबर एंड एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है, अब वो सपोर्ट पे डिपेंड करता है कौन सा आप कोऑर्डिनेट में कौन सा जाएगा। ओके, बीम्स बिकम मेंबर्स, एक बीम जो है यहाँ पे STAAD.Pro की लैंग्वेज में क्या है, एक मेंबर है। इट हैज नंबर एंड नोट्स एट इट्स एंड, ठीक है, कॉर्नर कॉर्नर में बीम के क्या होता है, नोट्स होता है। प्लेट्स बिकम एलिमेंट्स, प्लेट क्या होता है, वो एक एलिमेंट बन जाता है। इट हैज नंबर एंड नोट्स ऑफ कॉर्नर, ये देखो जो प्लेट हमने यहाँ पर लगाया, तो आपसे पूछा जा सकता है नोट क्या होता है, बीम क्या होता है और प्लेट क्या होता है। तो प्लेट एलिमेंट बनाता है, बीम्स मेंबर एंड नोट्स जॉइंट। ओके, तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जिसने STAAD.Pro सीखा है उसी को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से होके गया है। और अगर आपने नहीं सीखा है तो इस प्लेलिस्ट को चेक करिए, हमने पूरा लगभग लगभग सारे टॉपिक्स STAAD.Pro के कवर किए हैं, अभी दो तीन टॉपिक्स और कवर करने हैं, जल्दी मैं उनको भी कंप्लीट कर दूंगा। एट्रस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, आप कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, ए ट्रस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ट्रस मेंबर विच कैन ओनली एक्सियल मेंबर्स फोर्स एंड नो बेंडिंग इन द मोमेंट, ऊपर से केवल स्ट्रक्चर आ रहे हैं, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को भी हम डिजाइन कर सकते हैं, मतलब ट्रस स्ट्रक्चर को कर सकते हैं, प्लेन को कर सकते हैं। प्लेन को अगर मैं सीधे बात करूँ, प्लेन मतलब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को, स्पेस मतलब एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट को, जो हम लोग का फ्रेम स्ट्रक्चर होता है वो भी हम डिजाइन कर सकते हैं इसमें। फ्लोर स्ट्रक्चर को भी कर सकते हैं, फ्लोर मतलब जैसे स्लैब है, एक दो ऐसे स्लैब है ये, इसको भी हम डिजाइन कर सकते हैं। स्टेयर केस है, स्टेयर केस को भी हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लैब को, फ्लोर को और स्पेस, प्लेन और ट्रस, जैसे आप STAAD.Pro ओपन करते हो ये चारों ऑप्शन मिलेंगे आपको, इन चारों ऑप्शन को आप डिजाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज STAAD.Pro आपका स्टार्ट होगा, यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड STAAD.Pro विंडो, तो ये देखिए यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट लेते हो, आपको जिसको जिसने किया है उसको पता होगा। उसके बाद STAAD.Pro विंडो खुलता है, और विंडो में आप देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को बार के बारे में नहीं पता होता। ओके, तो जैसे कि पहला ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज मेनू बार। ओके, ये क्या टोटल, ये आपका टूल बार है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे है डाटा एरिया, टोटल डाटा एरिया होता है पूरा, और ये पेज कंट्रोल होते हैं अलग अलग पेज कंट्रोल। ओके, ये होता है मेन विंडो, और यहाँ पे लिखा नहीं है बट ये आप जान लीजिए, ये व्यू कंट्रोल होता है, क्या होता है, ये व्यू कंट्रोल होता है। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी विंडो को क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, नोट को सिलेक्ट करना है तो आपको ये कर्सर सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपसे पूछा जा सकता है वेरियस टाइप ऑफ कर्सर्स। ओके, तो आपको बताना पड़ेगा नोट कर्सर, बीम कर्सर के लिए ये है, प्लेट कर्सर के लिए ये है, सरफेस कर्सर के लिए ये है, सॉलिड कर्सर के लिए ये है और ज्योमेट्री कर्सर के लिए है। तो आपके कितने टाइप के कर्सर हो गए, सिक्स टाइप के कर्सर। तो आपसे पूछ सकते हैं टाइप्स ऑफ कर्सर्स इन STAAD.Pro, तो नोट कर्सर, बीम कर्सर, प्लेट कर्सर, सरफेस कर्सर, सॉलिड कर्सर एंड ज्योमेट्रिक कर्सर। ओके, नाउ मॉडल जनरेशन, मॉडल को बनाते टाइम क्या क्या चीज़ ध्यान देना पड़ती है। देर आर थ्री बेसिकली मेथड फॉर जेनेटिक मॉडल, स्नैप मेथड, कोऑर्डिनेट मेथड एंड कॉपी पेस्ट मेथड। मैं सबसे ज़्यादा कॉपी पेस्ट मेथड यूज़ करता हूँ, इसके बाद मैं यूज़ करता हूँ स्नैप मेथड को, और इसके बाद यूज़ करता हूँ कोऑर्डिनेट मेथड को। कोऑर्डिनेट क्या होता है, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट दे दिया, फिर वाई का कोऑर्डिनेट दे दिया और इसके एक बीम बना दिया, ये हो जाता है कॉपी पेस्ट, मतलब इस नोट को कॉपी किया यहाँ पे फिर इसको मिला दिया। स्नैप मेथड मतलब आपके पास ग्रिड है, उसमें से दो मीटर चाहिए तो आप दो मीटर यहाँ से ले लिए, फिर ग्रिड को ऑफ कर दिए। ओके, आउट ऑफ दिस थ्री मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज कॉपी पेस्ट मेथड, जैसा कि मैंने बताया था आपको, मैं कॉपी पेस्ट ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बाई यूजिंग दिस थ्री मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनी ज्योमेट्री कैन बी क्रिएटेड, इन तीनों मेथड को अगर फॉलो कर लोगे, आपसे पूछ सकते हैं कितने मेथड होते हैं, तो इन तीनों मेथड को फॉलो कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। STAAD.Pro ऑल्सो
contains a command wizard which its library of structures such as frame truss present in which can be managed with STAAD.Pro. इसको टोटल बोलते हैं रन स्ट्रक्चर विजार्ड, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा. रन स्ट्रक्चर विजार्ड में सारे मॉडल रहते हैं, वहाँ से ले आओ और इनको यूज कर लो आराम से, ऐसा बोलना चले. मॉडल जनरेशन एंड एनालिसिस के लिए स्टेप क्या क्या होता है, सबसे पहले नोड बीम प्लेट, फिर इनपुट करना है प्रॉपर्टीज, फिर सपोर्ट को लगाना है और फिर लोडिंग को लगाना है, फिर एनालिसिस के लिए देखना है स्पेसिफाई एनालिसिस एंड फिर एनालिसिस करना है, फिर उसके बाद व्यू एंड रिजल्ट वेरीफाई करना है. ओके, तो फाइनली यहाँ पर रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है. ये स्टेप्स थे, ये स्टेप आप फॉलो करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे कैसे एनालिसिस करते हैं. ये देखिए जो मेरा इनिशियल विजार्ड बोल रहा था वो यही है, इसके अंदर सारा लाइब्रेरी होता है. आप आके यहाँ पे सारे लाइब्रेरी मीन्स आप बिल्डिंग बना सकते हो, यहाँ से वाटर टैंक वगैरह, पार्ट ट्रस वगैरह सब रहता है, हाउ ट्रस एवरीथिंग इज देयर. आप इनको मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. असाइनिंग प्रॉपर्टीज ये हैं, यहाँ पे आप दे सकते हो बीम का को डेप्थ कितना रखना है, देखिए वाई डी एंड जेड डी कितना रखना है, आप जेड डी रख सकते हो. ओके, यहाँ से डिफाइन करने के बाद आपका नेक्स्ट आता है सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट है, पिन सपोर्ट है. आपको याद रखना चाहिए पिन सपोर्ट को ही हिंज सपोर्ट भी बोलते हैं, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं. तो पिन, हिंज एंड फिक्स बट, फिक्स बट मतलब STAAD.Pro फिक्स बट मीन्स नॉर्मल, दैट इज रोलर. क्या है ये? रोलर, रोलर हिंज ऑफ पिन एंड फिक्स सपोर्ट, तो आप भूलिएगा मत इसको. असाइनिंग लोड्स, लोड असाइन करने के लिए आप डेड और लाइव को डिफाइन करोगे, उसमें आप देखोगे कभी कभी सुपर इम्पोज लोड भी, कभी आपको विंड, सेस्मिक या अर्थक्वेक का फोर्स भी लगा सकते हो. ठीक है, वही सेस्मिक या अर्थक्वेक को भी आपको डिफाइन कर सकते हो. वाइल डिजाइनिंग स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू विंड एंड अर्थक्वेक वी हैव ऑल्सो प्रोवाइड डिफिनीशन ऑफ अलॉन्ग वेरियस लोड्स. अगर आप विंड और सेस्मिक को लगा रहे हो तो उससे पहले उसको डिफाइन करना पड़ता है. जिसने भी मेरे वीडियोज देखा होगा उसको पता होगा कि पहले डिफिनीशन दो, फिर जाके आप लोड असाइन कर सकते हो. अगर विंड और लाइव के अलावा दूसरा कोई लोड आप लगाना चाह रहे हो तो यहाँ से सेलवेट प्रोवाइड करते हैं, जो कि कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए 1.5 एंड स्टील स्ट्रक्चर के लिए 1.15. इसके बाद यहाँ से एनालिसिस कर लोगे. एनालिसिस करने के बाद आफ्टर ऑल द एबव स्टार्टेड सेटअप्स, मतलब सारे स्टेप फॉलो कर लो, इसके बाद रिएक्शन यहाँ से फाइंड कर सकते हो. एनालिसिस करने के बाद डिस्प्लेसमेंट, डिफ्लेक्शन ये सारी चीज़ें कर सकते हो. आफ्टर एनालिसिस वी आर एबल टू सी योर मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन फॉर ईच मेंबर्स. चेक करने के लिए हम लोग बिना एनालिसिस के कुछ भी आप चेक नहीं कर सकते हो. आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको जहाँ तक मेरी उम्मीद है आपको अच्छा ही लगा होगा क्योंकि मैंने काफ़ी उससे रिसर्च करके ही बनाया टॉपिक को. अगर आपको ये PPT चाहिए तो आप आराम से अपना इंटरनेट खोलिएगा. इंटरनेट पर जाके आप यहाँ पे www.uniqcivil.com करिएगा और इंटर कर दीजिएगा तो हमारी वेबसाइट खुलेगी. और हमारे वेबसाइट में यहाँ पे आपको ऐसे तो स्टेट लाइक जो हमारा सिविल का जो है सब कुछ आपको मिल जाएगा, सिविल से रिलेटेड. आप यहाँ पे अगर फॉलो कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी जाता रहेगा जब हम लोग कुछ भी मेल करते हैं. जैसे कि अभी मैं इस PPT को यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको डाउनलोड करके रखना है तो आप PPTs पे जाइए और यहाँ पे जाके आपको हर एक टॉपिक का PPT मिल जाएगा मैक्सिमम. ओके, तो इसमें से अगर मान लीजिए हमको जाना है किसमें, इसमें से आपको अभी जो अभी हमने PPT पढ़ाई दैट PPT इज दिस वन, STAAD.Pro PPT 2. आप इसको जाइए यहाँ से सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लीजिए. तो आप इस तरीके से सारे PPT जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे यहाँ से आके डाउनलोड भी कर सकते हैं. साथ ही साथ यहाँ पे जैसे कल मैंने यहाँ पे बताया था कंक्रीट मिक्स डिजाइन, इसके बारे में भी आप यहाँ पर कैसे पूरे स्टेप यहाँ पे रीड मोर पर करेंगे, आपको फुल स्टेप कंक्रीट मिक्स डिजाइन का M40 के लिए मैंने डिजाइन किया था तो फुल स्टेप आपको मिल जाएंगे. ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट स्टेप मिल गया है. ओके, तो इस तरीके से ये हमारी वेबसाइट भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है अगर आप इससे कनेक्ट रहे तो. इसको प्लीज़ फॉलो करके रखिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और नोटिफिकेशन के साथ आपको डेली डाटा कुछ ना कुछ मिलता रहेगा. इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक करना और साथ ही साथ इसको इतना शेयर करना कि मैं नेक्स्ट ETABS और AutoCAD के लिए भी एक टॉपिक लेके आऊँ इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के लाऊँ. और BBS का भी सीरीज मैंने जो अभी फुटिंग का बताया है अभी मैं जल्दी ही बीम और कॉलम का ही बताने वाला हूँ. बस थोड़ा सा समय है, उसके बाद जल्दी ही हम लोग आएंगे.